जो साइड की है ये बाइक वालों के लिए होती है, और यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए हैं और सेंटर में भी रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए हैं। और तो ये रोड की कमियां है जो रात में एक्सीडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा यही कारण होते हैं रात में एक्सीडेंट होने के। ये वर्धा से नागपुर जाने वाला रोड है, या नागपुर से वर्धा आओ किधर भी आओ, तो यहाँ पे रात को ये हुआ था कि फास्टैग के लाइन जो तीन दी गई है टोल पे, वहां से दो लाइन बंद थी और एक ही लाइन थी, और पूरा ट्रैफिक जो है एक लाइन पे लगा हुआ था फास्टैग के लिए, और वहां पे जो है कैश लाइन जो है जल्दी जा रही थी लेकिन फास्टैग की लाइन जल्दी नहीं जा रही थी। इसकी वजह से मुझे काफी चिढ़ आया वहां पे, और फिर मैंने उसका जो रिकॉर्डिंग डाला तो फोन मेमोरी फुल होने की वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, और मैं गाड़ी भी ड्राइव कर रहा था इसके लिए मेरा ध्यान नहीं रहा, तो मैंने वो अपलोड कर दिया। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे कि चूतिया है, ये है वो है। भाई कमेंट करने से पहले आप थोड़ा सोच समझ के कमेंट किया करो। हम प्राइस पे कर रहे हैं टोल की, और रोड का भी टैक्स पे करते हैं, उसके बाद भी हम टोल भी पे करते हैं, और हमें सर्विस अगर अच्छी नहीं मिलेंगी तो क्या हम चुपचाप रहेंगे? इसी वजह से जो है इनकी मनमानी चलती है। देख सकते हो कि पूरे रोड में इनके रिफ्लेक्टर नहीं लगे हुए हैं, ना सेंटर में लगा है ना लेफ्ट में लगा हुआ है। टोल का जो है इनका यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम की सुविधा इनकी तरफ से दी जाती है, लेकिन इन्होंने टॉयलेट बाथरूम को लॉक करके रखा है, उसका वीडियो भी मैंने पहले भी डाला है, आपको दिखाया है ना। तो ये आपकी सुविधा के लिए मैं डाल रहा हूँ, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी के खिलाफ बोलने की या कोई अगेंस्ट में जाने की, बट ये हमारा अधिकार है क्योंकि हम इसका प्राइस पे कर रहे हैं, और इसको बोलने का सबका अधिकार है ना। क्योंकि इमरजेंसी टॉयलेट बाथरूम अगर आपको जाना है और आप प्राइस पे करने के बाद भी वहां पे लॉक लगा है, तो अगर आप सह सकते हो तो सहो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉब्लम सभी की है, एक्सीडेंट जब होता है और जब किसी को चोट लगती है तो फिर आप गुहार लगाते हो किसी के तरफ की कोई हेल्प करे। भाई कौन हेल्प करेगा? जब आज कोई अगर खड़ा होकर कोई बोल रहा है तो आप उसको गालियां दे रहे हो, तो ये आप खुद को क्या समझोगे? मेरे पास तो बोलने के लिए शब्द नहीं है। पूरे रोड में रिफ्लेक्टर नहीं है यार, इतना करोड़ों का प्रोजेक्ट बनाते हैं ये लोग, इतना रोड पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट, और ठेकेदार चंद पैसे बचाने के लिए रिफ्लेक्टर नहीं लगाते जिससे रात में एक्सीडेंट होते हैं। और रात में डिवाइडर सेंटर का जो साइड का डिवाइडर है वो डिवाइडर तक नहीं दिखाई देता, क्योंकि यहाँ पे जो है घास पूरे घास है, डिवाइडर पे पेड़ नहीं लगे हुए, पेड़ इसीलिए लगाए जाते हैं कि अपोजिट से आने वाली गाड़ियों का रिफ्लेक्ट जो है वो हमें दिखाई ना दे, जिससे हम अपने लाइन में बराबर गाड़ी चला पाए। लेकिन इनका जो है यहाँ पे पूरा ये है, यहाँ पे जो राइट साइड का आप देख रहे हो ये जो डिवाइडर है ये वाला, यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर इन्होंने नहीं लगाया, और जबकि वो रात में दिखाई ही नहीं देता आप यहाँ पे गाड़ी चलाओगे, क्योंकि यहाँ पे लाइट भी नहीं है ऊपर में रोड पे, तो रात में डिवाइडर दिखाई नहीं देता कि लाइन हमारी किधर जा रही है। भाई बहुत दिक्कत होती है जो हाईवे पे फोर व्हीलर चलाते हैं ना, जिनको जल्दी जाना होता है, स्पीड में गाड़ियां रहती है तो उन्हें समझ में आता है, जिनके पास गाड़ियां नहीं है वो तो कुछ भी बकचोदी करेंगे, वीडियो में कमेंट करेंगे कि ऐसा है वैसा है वैसा है, लेकिन जो ड्राइव करता है ना उसे समझ में आता है। और ऐसा नहीं कि ये फुकट में हमें सर्विस दे रहे, हम इसका प्राइस पे कर रहे हैं। साल का गवर्नमेंट को मैं 10,000 रुपए रोड का देता हूँ टैक्स, उसके बाद में टोल पे भी पैसा देता हूँ, प्रोफेशनल टैक्स भरता हूँ गाड़ी का, और फिर भी अगर मेरे गाड़ी के साथ में कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार कौन रहता है? तो इतना पैसा जो देते वो किस लिए देते हम लोग? सिर्फ इनको चुनाव में खड़े होने के लिए पैसा दारू पीने के लिए देने के लिए देते क्या हम लोग? राइट साइड का मैं आपको गाड़ी स्लो करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पीछे कोई गाड़ी नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि न डिवाइडर के ऊपर में रिफ्लेक्टर लगा है येलो वाले, और ना ही पट्टे के पास में येलो वाले रिफ्लेक्टर लगे। तो भाई ये चूतिया बनती नहीं तो और क्या है? यहाँ पे फिर रात में एक्सीडेंट नहीं होगा तो और क्या होगा? तो ये रियलिटी है भाई, इसके लिए हमें बोलना चाहिए। हम प्राइस पे कर रहे हैं, कल को कुछ हो जाएगा जान चले जाएंगे आपकी, है ना, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? बिना इंश्योरेंस का कोई पैसा भी नहीं देता, ठीक है, इंश्योरेंस भी हम जब निकालते हैं तभी हमें पैसा मिलता है एक्सीडेंट पे, वरना कुछ नहीं मिलता। तो ये हमारा अधिकार है, इसके लिए आप बोलो, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसा किसी के बारे में वीडियोस बनाने की, ठीक है। वर्धा का टोल है ना, और मैंने अभी गाड़ी खड़ी किया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे वीडियो बनने के बाद टोल इसको जो है लॉक तो खोल दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है टॉयलेट बाथरूम में पानी नहीं है। देखो एक तो पूरे जाले लगे हुए है, ये देखो पानी की सुविधा नहीं है भाई, ये है, ये हाल है नागपुर का वर्धा टोल है ना। इधर भी है, लॉक खोल दिए गए हमने जब वीडियो डाला, लेकिन आप हाल देख सकते हो भाई, ये रियलिटी है, और ये सब मैं आपके लिए आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है, ये रियलिटी है भाई यहाँ की।
जिगजैग है दोस्तों, यहाँ पे सीधा रोड नहीं है, इसकी वजह से जो है अपोजिट में रात में आने वाली गाड़ियों का रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा, ऐसा लगता है कि वो हमारे लाइन में चल रहा है और जो है उसकी वजह से दिक्कत होती है। तो मैं यही कहूंगा आपसे कि अगर आप चाहते हो कि मैं सही अगर कर रहा हूँ तो यार वीडियो को शेयर करना, सपोर्ट करोगे तो ही मैं ये सब चीजें कर पाऊंगा, अदरवाइज मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं ये सब नहीं करूंगा, है ना। हम लोग अच्छे वीडियो तो बनाते ही रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे भाइयों को किसी को तकलीफ ना हो, किसी के साथ कोई एक्सीडेंट ना हो, इसलिए मैं आपके सभी के भलाई के लिए ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ। अगर आप चाहोगे तो मैं ये वीडियो डिलीट भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। फिर आप सहते रहो और फिर पीठ पीछे बोलते रहो, भाई सामने बोलना चाहिए, सामने आपको आना चाहिए, तो कोई फायदा है? पीठ पीछे तो हर कोई बोलता है ना, उसका कोई फायदा नहीं होता, ये लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे और फिर आप जो है पीठ पीछे जो है लड़ते रहो फिर, है ना। तो देखो अगर आपको ठीक लगता है तो वीडियो को ज्यादा शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि मैंने सही बोला है गलत बोला है ना। आपकी राय बहुत जरूरी है मेरे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग हो तो ये सब कुछ है, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, देख लो लास्ट टाइम भी आपको दिखा रहा हूँ, रिफ्लेक्टर जो है प्रॉपर नहीं है, है ना, साइड का पट्टा मिट चुका है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन नहीं है, तो ये रियलिटी है, ठीक है। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छी वीडियो और आने वाली है आपकी डिमांड पे, पार्टी वगैरह की वीडियो आएंगी और भी नागपुर के अच्छे अच्छे वीडियो है जो एडिटिंग के लिए अभी चालू है, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।